हमसे लोग पूछते कि आप वन में कथा क्यों करने जाते। हमने कहा भैया जिस वन में हमारे राम जी भटके हों 14 साल तक, वहां हम कथा क्या जिंदगी भी गुजारे तो कम है। और दूसरी बात, प्रार्थना करें ये तुम लोगों के बहकावे में मत आया करो कि तुम हिंदू नहीं हो या तुम सनातनी नहीं हो या तुम्हारा कोई महिमा नहीं कोई, ये समना टोटल अंग्रेज की औलाद है जो ऐसा तुमको समझाते हैं और सिखाते हैं। हमारी प्रार्थना है तुम मर जाना वनवासियों, लेकिन तुम्हारे वन का यह इतिहास है, माता सबरी निषाद राज कोल भील इन्होंने जब तक साथ नहीं दिया तब तक राम जी जीते नहीं। हम तुमसे प्रार्थना करते आज अगर तुम साथ नहीं दोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। आज अगर तुम साथ नहीं दोगे तो राम राज्य की स्थापना मुश्किल है। आज अगर तुम साथ नहीं दोगे तो भारत खंड खंड हो जाएगा। आज अगर तुम साथ नहीं दोगे तो हमारी भारतीय संस्कृति छिन्न भिन्न हो जाएगी। हमारी प्रार्थना है बहकावे में मत पड़ना। तुम्हारे पूर्वज माता सबरी निषाद राज और कोल भील है, उन पर उपकार मानकर तुम गर्व से कहना कि मैं भी सनातनी हूं। तुम गर्व से कहना मैं भी हिंदू हूं क्या। और सच बतावे ये 2 दिवसीय कथा भले ही है लेकिन एक दिन की कथा में ही इन लाखों वनवासियों ने आज पूरी दुनिया को बता दिया कि हाँ हम सनातनी थे हैं, जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। ये पूरी दुनिया में, और क्षमा करना हम तो भारत के कथा व्यासों से भी प्रार्थना करेंगे, फ्लाइटों पर घूमने से सनातन धर्म नहीं बचना है। आओ कुछ दिन गुजारो जंगल में कथा करके। बड़े बड़े समृद्ध प्रदेशों में, बड़े बड़े अमीरों के शहरों में तुमने खूब कथा सुना ली, आओ कुछ दिन इन वनवासियों को गले लगा करके इन्हें कथा सुनाओ, इनको भी राम कथा के बारे में बताओ। और जितने भी न्यूज पर है ना, हमारी प्रार्थना ये बात आप जरूर भेज दो। आप अगर हिंदू हो तो हमारी ये बात जरूर भेज दो। आपसे भी प्रार्थना है कि भारत के प्रत्येक संत और महंत को अब बड़े शहरों से ज्यादा वन में रहने वाले वनवासियों को अपनी तरफ से खर्च करके कथा सुनानी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म दिल्ली या मुंबई की कथा में कथा करने से नहीं बचना है। सनातन धर्म बालाघाट जैसे जंगल जहां ईसाई मिशनरियों ने हमारे सनातन धर्म की जड़ें हिलाने का काम किया है, अब उन हलीउल्लाह बालों को उखाड़ कर फेंकने की बारी है। लोग हमसे कहते कि आप बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं। हम उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति पीड़ा है। लोगों को लगता कि हम विवादित बयान देते, लोगों को लगता कि हम धर्म द्वंद फैलाते। हम बिल्कुल भी विवादित नहीं, हम सब मजहबों को प्रणाम करते हैं, सबको सम्मान करते हैं, लेकिन सनातन का अपमान नहीं सह सकते हैं हम। लोगों को लगता कि हम विवादित हैं और इसी विवाद के चक्कर में लोग हाई कोर्ट तक, हम भारत के पहले ऐसे कथा व्यास हैं जैसे हाई कोर्ट तक घसीटा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी नानियों को हम हलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है भारत में सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए अब वन में रहने वाले प्रत्येक वनवासी को अपने द्वार पर झंडा लगाना चाहिए, जय बड़ा देव का नारा लगाते हुए हम श्री राम के हैं ऐसा जय घोष करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे आपके आराध्य प्रभु राम है, हमारी आपकी कुलमाता माता सबरी है, उनके अलावा कोई। हमारी प्रार्थना है, हम विवादित बयान न्यूज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, सबके प्रति हमारा सम्मान है। हम केवल और केवल इसलिए हमारे प्रति, हमारे अंदर राष्ट्र को जो हम देख पा रहे हैं, जो हमने अपनी चेतना से देखा कि 10 साल बाद यहां राम कथा कहना मुश्किल हो जाएगा भारत में, अगर ऐसे ही चलता रहा राम कथा नहीं कह पाएंगे। लेकिन हम होने नहीं देंगे, हम अब सब वनवासियों को इकट्ठा करके
भारत में पुनः संस्कृति का प्रचार करवाएंगे। माता सबरी प्रभु राम की याद में, आहा, माता सबरी प्रभु श्री राम की याद में बड़ी डूबी है। माता सबरी ने प्रभु का इंतजार 10,000 वर्ष तक किया। तुमसे प्रार्थना करें, वनवासी हो तुम भी अपने घर पर भगवान राम को याद करके इंतजार करना। हमें भरोसा है उनको 10,000 साल बाद मिले। तुम्हारे घर पर प्रभु राम 10 साल बाद आएंगे, लेकिन किसी ना किसी रूप में आएंगे। सबरी माता कहती, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कौन आएगा? राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम, हाँ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम जी माता सबरी के यहाँ 10,000 साल बाद गए। धन्य है माता सबरी का पुरुषार्थ। कितना ऊंचा पुरुषार्थ है माता सबरी का। गुरु आज्ञा को नहीं टाला माता सबरी ने। देखो, क्षमा करना, गुरु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। जो गुरु कह देता है वो होकर के ही रहता है। एक बात और पागलो, गुरु पर उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना हम लोग अपनी श्वास पर कर रहे। सांस पर नहीं, श्वास पर। सांस अलग है, श्वास अलग है। जितना हम लोग अपनी श्वास पर भरोसा करते हैं उतना ही हमें गुरु वचनों पर भरोसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु के वचनों को सत्य करने की जिम्मेदारी परमात्मा की होती है। और माता सबरी के जीवन में राम जी आए भी तो किसके कारण? बोलो, किसके कारण? गुरु जी के कारण। लेकिन अब आजकल तो बड़ा उल्टा जमाना है, नए से गुरु जी बचे, नए से चेला बचे, दोनों गायब होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो कम मात्रा में। बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। अब आजकल तो ऐसे चेला हैं कि एक परसवाड़ा में चंगीलाल रहता है, यही परसवाड़ा में चंगीलाल। एक दिन चंगीलाल अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें दीक्षा लेनी है। गुरुजी बोले, बेटा ले लो। अब दीक्षा दूसरे दिन हुई, चंगीलाल ने ली। लेने बैठा तो गुरुजी बोले, अच्छा चंगीलाल एक बात बताओ, लिपे लिपे की दीक्षा लेनी है कि बिना लिपे की? तो चेला चंगीलाल बोला, गुरुजी असली वाली दीक्षा कौन सी होती है? गुरुजी बोले, बढ़िया वाली दीक्षा तो लिपे लिपे की होती है। अच्छा गुरुजी, ये लिपे लिपे की दीक्षा क्या है? चंगीलाल बोला, लिपे लिपे की दीक्षा क्या है? गुरुजी बोले, बेटा गाय के गोबर से लीपा जाता है, उतने में ही दीक्षा दी जाती है, उसे लिपे लिपे की दीक्षा कहते हैं। गुरुजी फिर तो लिपे ही लिपे की दे दो। अब देखना, जंगल का काम, परसवाड़ा है ही जंगल में, परसवाड़ा जंगल का काम गुरुजी ने कान में दिया मंत्र, उसी समय पीछे से काट लिया बिच्छू ने। बिच्छू ने काटा किसको? चंगीलाल को। 2-3 मिनट बाद अब बिच्छू चढ़ो। चंगीलाल बोलो, गुरुजी जब दीक्षा तो चढ़त आ रही। गुरुजी ने सोची, हमने मंत्र पावरफुल दे दिया है तो उसका असर है। गुरुजी बोले, हम साधारण गुरु थोड़ी हैं, बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं। चेला बोलो, जय हो। 10-15 मिनट भय बिच्छू और तेज चढ़ो। चंगीलाल बोलो, गुरुजी अब तो पांव फट रहो, पूरे शरीर में दीक्षा चढ़ गई। गुरुजी बोले, का साधारण दीक्षा थोड़ी है, ऊंचे लेवल की दीक्षा है, मंत्र तुरंत काम करता है। चंगीलाल को तो अब असहनीय दर्द होने लगा। चंगीलाल बोलो, गुरुजी अब तो जब दीक्षा निकालो बाहर, अब नहीं हम पे संभल रही है। गुरुजी बोले, बेटा हमसे दीक्षा देवो तो आउते, निकालबो नहीं आउता।
चंगीलाल बोलो गुरुजी अब तो तुमने मार लाओ। बोले कहे, अरे बोले दिमाग है खराब, पूरा शरीर में दीक्षा चढ़ गई, प्राण निकल रहे, इससे अच्छा तो दीक्षा ही ना लेते। गुरुजी बोले अब क्या है, अब तो दे ही दी। चंगीलाल ने आओ देखा ना ताओ ढाई हाथ का डंडा उठाया, बोले दीक्षा निकाल रहे कि हम तुम्हारे खून निकालिए। गुरुजी बोले यार भाई बड़े कबाड़ी आदमी हो, गुरुजी से ऐसी बात करते हो, नरक जाओगे नरक। चंगीलाल बोले जो कल जात हो आज चले जाएं, मरने से तो अच्छा है नरक चले जाएं, लेकिन ये दर्द नहीं हम पे सहन हो रहा। बाद में फिर जब गुरुजी को किसी ने कहा कि यार ऐसा तो दीक्षा में होता नहीं है, अब हो क्या रहा, जब बाद में देखा तो कोने में बिच्छू भैया बैठे रावे हैं, तब किसी ने कहा भाई तुम्हें दीक्षा नहीं चढ़ी, बिच्छुआ चढ़ो। तो बताओ ऐसी भी दीक्षा होती है, ऐसी दीक्षा के चेला भी ऐसे होते हैं, गुरु भी ऐसे। ऐसे ही एक और दो चेला थे, एक का नाम था रामलाल, एक का नाम था श्यामलाल। क्या नाम था? रामलाल और श्यामलाल। गुरुजी का नाम था टिल्लू गुरु। गुरुजी कहां के? बालाघाट के। चेला कहां के? परसवाड़ा के। दोनों गुरुजी की सेवा करते थे, सेवा करते थे। तो रामलाल और श्यामलाल ने गुरुजी के चरणों को बांट लिया। रामलाल बोला हमारा दायां पैर, राइट साइड। श्यामलाल बोला हमारा बायां पैर, लेफ्ट साइड। किस लिए? सेवा के लिए। चरण दबाएंगे हम, ना तुम्हारे चरण तुम्हारे वाले हिस्सा को पकड़ेंगे, ना तुम हमारे हिस्सा को पकड़ना। अब दो चेला गुरुजी के दो चरण दोनों एक एक दबावे। गुरुजी कहें बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसी सलाह होनी चाहिए, चेलों में ऐसी एकता रहनी चाहिए, बड़ा आनंद। एक दिन क्या हुआ कि जो श्यामलाल था वो गायब हो गया, आया नहीं घर से। गुरुजी लेटे थे, रामलाल तो अपना वाला पैर दबा रहा था, अपनी साइड जो उसे मिला था राइट साइड का। तो गुरुजी बोले बेटा थोड़ा ये लेफ्ट वाला भी चरण दबाओ। बोले गुरुजी हम नहीं छुएंगे। बोले क्यों? बोले हिस्से बांट है, ये हमारे हिस्से में थोड़ी है, वो तो श्यामलाल के हिस्से में, अब वो आया नहीं तो हम क्या कर ले, हम नहीं, हम तो अपना हिस्सा भर दबाएंगे। गुरुजी बोले भाई बंटवारा तो तुम लोगों का है पर चरण तो हमारे हैं। चेला बोला गुरुजी भले ही चरण हमारे हैं पर बंटवारा तुम्हारे हैं, पर बंटवारा तो हमारा है। गुरुजी बोले कौन बहस करे मूर्खों से। गुरुजी बेचारे सो गए, और सो गए तो जो बायां पैर था वो दाहिने पैर पे रख गया। अब रामलाल को आई गुस्सा के, एक तो ये वाले हिस्से के मालिक आए नहीं है श्यामलाल, ऊपर से हमारे हिस्से के ऊपर वजन रख रहा है। ढाई हाथ को डंडा बांस को ढूंढो, गुरुजी के लेफ्ट पैर में दे दना दन 8-10 फटकारे। गुरुजी बोले क्या है? अरे बोले गुरुजी ये साइड वाला इतना दमदार के हमारी साइड पे वजन धरे। अरे गुरुजी बोले ठटरी के बरे, तुम्हारी साइड या मेरी साइड है तो हमारे चरण। बोले भले ही चरण हमारे हैं पर बंटवारा तो हमारा है, चरण तुम्हारे बंटवारा हमारा। गुरुजी को तीन जगह से टूट गओ पांव। गुरुजी बोले भाग कितना से, इससे अच्छा तो चेला ही ना हो। बेचारे गुरुजी बालाघाट गए, प्लास्टर चढ़वाया, फिर वापस आए, सुबह हुई, कुर्सी पे बैठे थे लकड़ी ले, अब आया श्यामलाल। श्यामलाल बोला गुरुजी ये दुर्दशा कैसे हो गई? गुरुजी बोले क्या बताएं बेटा, ये तुम्हारे बंटवारा ने अपराण खा लिए, तुम लोगों ने बंटवारा किया था, ऐसी ऐसी घटना घट गई, ये वाला पैर हमने तुम्हारे उस रामलाल तुम्हारे हिस्से का पैर रामलाल के हिस्से पर रख दिया, ये हाल कर दिया। श्यामलाल बोला आर हमारे हिस्से की ये दुर्दशा? श्यामलाल ने छह हाथ को डंडा ढूंढो, रामलाल के हिस्से के 9 टुकड़ा कर दिया। गुरुजी अपंग हो गए। ये मत पूछना कि वो चेला कहां के थे, बाद में जब पता चला वो परसवाड़ा के निकले। बताओ ऐसे भी चेला होते हैं।
और कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं। हम एक बात बोलते रहते हैं कथाओं में, लालची गुरु लोभी चेला चले नरक में ठेलम ठेला। और दूसरी बात भी हम बोलते हैं, कनफुक्का गुरु हजार है नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपन तो नरके चले संग लिए जजमान। इसलिए हमारी प्रार्थना है, गुरु ढूंढिए जानकर पानी पीजिए, गुरु ढूंढिए जानकर पानी पीजिए। और दूसरी बात, अगर गुरुदेव तुमको बढ़िया मिल गए, माता सबरी जैसे गुरु, मतंग मुनि जैसे आपको अगर प्राप्त हो गए, तो फिर तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी, फिर तुम्हारी चिंता रघुनाथ जी की चिंता हो जाएगी। है? आपकी चिंता नहीं, पर राम जी की चिंता हो जाएगी। राम जी माता सबरी के घर गुरु वचनों के कारण, ताही दे ये गति राम उदारा, ताही दे गति राम उदारा, गाइए, ताही दे ये गति राम उदारा, ताही दे गति राम। यह चौपाई रामचरित मानस में अरण्य कांड के 33 नंबर दोहा के बाद की पांचवी चौपाई। ताही दे ये गति राम उदारा, ताही दे गति राम उदारा, सबरी के आसम पर गति राम उदारा, ताही दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा, सबरी के आश्रम पग धारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बोलो भैया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय घर। राम जी के आने के कारण क्या है? एक कारण तो ये कि सबरी के मान को बढ़ा करके वनवासियों के मान को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए भगवान सबरी के घर आए हैं। दूसरा कारण, एक कारण भर नहीं, दूसरा कारण है माता सबरी के घर पर राम जी का आने का। दूसरा कारण क्या है? जो गुरु के प्रति विश्वास रखता है, कहीं उनका विश्वास टूट ना जाए, गुरु आज्ञा पर शिष्य और चेला और भक्त अडिग रहे, अटल रहे, इसलिए माता सबरी के घर पर राम जी आए हैं। तीसरा कारण, केवल दो कारण नहीं, अथवा तीसरा कारण, माता सबरी के घर पर राम जी इसलिए आए कि जिन वन में रहने वाले वनवासियों को पिछड़ा कहते थे, भगवान राम उनको अपने गले लगा करके पूरी दुनिया में अगड़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए भगवान माता सबरी के घर। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण माता सबरी के वन में, माता सबरी के घर आने का एक और, अथवा भगवान राम ये बताना चाहते पूरी दुनिया को कि केवल पुरुष भर महात्मा नहीं हो सकते, केवल पुरुष परमात्मा भर को नहीं पा सकते, मां रूपी भी कोई महात्मा हो सकती है और मां रूपी महात्मा भी परमात्मा को पा सकती है, इसलिए भगवान राम माता सबरी के घर पर आए। मां भी महात्मा हो सकती और महात्मा ही मां महात्मा ही परमात्मा से मिला सकती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, साधु जी,
सीता। अथवा पांचवा कारण सुनिए, माता सबरी के घर पर राम जी क्यों आए। मानो भगवान बताना चाहते हो कि बड़ों बड़ों के लिए तो बहुत से नाते होते हैं, अमीरों के तो हजारों नाते होते हैं, गरीबों के तो केवल भगवान होते हैं, इसलिए माता सबरी के घर पर राम आए हैं। छठवा कारण सुनिए, भगवान राम माता सबरी के घर पर क्यों आए। हमारा मानना है माता सबरी वन में रहती है, वन में प्रायः शहर में रहने वाले लोगों की नजर वन में नहीं जाती। मानो भगवान ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हो कि जहां जिस किसी की नजर नहीं जाती वहां हमारी नजर और नजरिया दोनों जाते हैं, इसलिए भगवान राम माता सबरी के घर पर आए। सातवां कारण सुनिएगा अंतिम, किस कारण से राम सबरी के घर आए। आहा, ये एकदम नई बात है, आपको सुनकर बड़ा आनंद आएगा। हमारा मानना है भगवान राम माता सबरी के घर पर इसलिए आए कि आज तक माताओं को अपवित्रता के नाम पर जो दुत्कारा जाता था, स्त्रियों को जो पूजा पाठ धर्म कर्म से अलग किया जाता था, मानो भगवान राम माता सबरी के झूठे बेर खा करके ये सिद्ध कर गए हो कि भारत में केवल और केवल पुरुषों की मान्यता नहीं, भारत जैसा अकेला देश है जो मातृत्व प्रधान देश है, माता सबरी के मान को बढ़ाने के लिए भगवान राम सबरी के घर आए। भारत मातृत्व प्रधान देश, यहां माता की बड़ी पूजा, तुमेव माता चा पिता तुम्हें, यहां पिता बाद में, तुमेव माता चा पिता तुमेव बंधुश्चा सखा, लेकिन पहले क्या, तुमेव माता, पहले मां। धन्य है भारत, अकेला ऐसा राष्ट्र भारत है जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, जहां गीता माता है, और धन्य है ये भारत, ये देश भी भारत माता है। अच्छा तुम बताओ, तुमने कभी सुना चाइना माता, बोलो बोलो, तुमने कभी सुना चाइना माता, बोलो, नहीं सुना ना? अच्छा तुमने सुना पाकिस्तान माता कीजिए, सुना आज तक नहीं। मां तो एक ही है, भारत माता, इसलिए तो पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। एक बात और, बालाघाट के पागलों, आज की हमारी कथा की एक बात तुम गांठ बांध लेना, तुम्हारी जिंदगी काम आएगी। याद रखना, भगवान की कथा का आनंद तो पृथ्वी लोक में केवल भारत में ही संभव है।